शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है, क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। मैंने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने कहा है कि मैंने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि हमारे दिल मिल चुके हैं और अब किसी तरह की दूरियां नहीं है। शिवपाल ने यह भी कहा कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। शिवपाल यादव जो कि बहुत नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले जो तल्खियां थी वो अब मिट्टी दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि ये साफ हो गया है कि 22 का चुनाव अब चाचा और भतीजे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव जिन्होंने ये मान लिया है कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, क्योंकि अखिलेश और शिवपाल के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है। क्या तैयारियां हैं शिवपाल जी? अब तो चुनाव भी आ चुका है, चाचा भतीजे की फोटो भी साथ आ चुकी है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, अब हम दोनों लोग समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करके ही चुनाव लड़ेंगे। अब जब हमने अखिलेश यादव को नेता ही मान लिया है तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी हटे, ये हमने तय कर लिया है। और वैसे तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका था जी। तो अब तो मिल करके ही चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। आप कह रहे हैं कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश को नेता मान चुके हैं, तो सीटों का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? हर कोई ये जानना चाहता है कि शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच क्या बातचीत हुई है सीटों को लेकर। देखिए, हमने पूरे जो भी हमें कहना था, जो भी सीटों के बारे में बात करनी थी, वो मैंने सूची बना करके अखिलेश जी को दे दी है और बात भी कर ली है। अब वो घोषणा उनको करना है। तो क्या लगता है कि अब तो चुनाव भी घोषित हो रहा है, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, मुद्दे भी सबके सामने आ गए हैं, अखिलेश और योगी की इस लड़ाई में आप कहाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी और अपने गठबंधन को? देखिए, अब ये जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, तो इसी की अब सरकार बनने जा रही है। वो इसलिए बनने जा रही है, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरह से ये फेल हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा में मैंने बताया ही है, शिक्षा के मामले में तो बताया है, और देखिए भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर बढ़ा ही है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो रोजगार भी नहीं दे पाए। बिजली की समस्याएं अब याद आई है ना, जब चुनाव घोषणा होने जा रही है, तो हर तरीके से अब किसानों का सवाल देख ही लिया है जी। आशीर्वाद आपका पूरा रहेगा अखिलेश यादव के साथ में, या चुनाव में अभी कुछ सीटों को लेकर बातचीत बनी रहेगी? पूरा आशीर्वाद, और बस अब अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बने, बस। कितनी सीटों का आकलन देख रहे हैं आप? अब सीटों का अभी कोई सवाल नहीं है। नहीं, कितनी सीटें जीत कर आपका गठबंधन ये आने वाला है, क्या अनुमान है? हम ये समझ रहे प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। तो ये थे देखिए शिवपाल यादव, जी न्यूज से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और उनकी पार्टी के गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। शिवपाल यादव ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, सीटों को लेकर कोई बात अब नहीं बची है। कैमरामैन धीरेंद्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।